सब्सक्राइब करें मेरे चैनल ड्राइंग स्टडी को और बेल के आइकन को दबा दें, साथ ही ऑल पर क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। सभी को मेरा राम राम। 10th क्लास में आज हम पढ़ेंगे स्केल नंबर 30। ये जो आपकी स्केल है, ये कप बोर्ड की आपकी स्केल है और इसकी लेंथ जो है वो है 125 सेंटीमीटर, इसकी ब्रेथ है 40 सेंटीमीटर और इसकी हाइट जो है वो है 108 सेंटीमीटर। इसकी लेंथ ज़्यादा है 125 सेंटीमीटर, इसलिए हमने इसकी कागज़ बांट जो है वो लेंथ में कर रखी है। कागज़ को लेंथ में रख करके तो अब हमने इसमें बनानी है इसकी एलिवेशन। एलिवेशन में सबसे पहले हम नीचे से इसमें फट्टी लगी हुई है 10 सेंटीमीटर के बाद 2 सेंटीमीटर की, तो हम सबसे पहले वही ले लेते हैं। यहाँ से सबसे पहले हम ये काट देंगे यहाँ से 10 और 10 के बाद है 2 सेंटीमीटर। इस तरह से इसको मिला लेते हैं। इस तरह से इसके बाद इसमें पाए बने हुए हैं नीचे से जो है ये 5x5 के हैं, तो यहां से ये आपका 5 सेंटीमीटर का पाया है। इसी तरह से यहां पे भी सेंटीमीटर का पाया हम यहां बना देंगे। इस तरह इसके बाद इसमें एक 5 सेंटीमीटर की फट्टी लगी हुई है ऊपर से नीचे को, यहां पे यहां देख सकते हैं ये जो फट्टी है पाए के बीच में हमारी डार्क आएगी और पायों में ये हमारी डॉटेड आएगी 2-2 सेंटीमीटर की। उसके बाद इसमें जो इससे ऊपर जो हमारा कार्य है उसमें यहाँ पे सबसे पहले ऊपर 2 सेंटीमीटर की रेखा लगी हुई पट्टी लगी हुई है और वो जो फट्टी है वो है हमारी 60 सेंटीमीटर लंबी है, तो हमने पहले यहाँ से 2 सेंटीमीटर इस तरह से और यहाँ से हम इसको काटेंगे 60 सेंटीमीटर तक। यहाँ से हम कोशिश करते हैं कि हमारे को जो हम लाइन लगाए वो हमें मिटानी ना पड़े, इस तरह से ये हमारा है 60 सेंटीमीटर तक। इस तरह से हम इतनी इस पट्टी को भी लगाएंगे। उसके बाद हमने यहां से जो है 2 सेंटीमीटर लेना है, यहां भी 2 सेंटीमीटर काटेंगे। इस तरह से आप देख सकते हैं। इसके बाद हमने क्या करना है, ऊपर से यहां से है इसमें 30 सेंटीमीटर के बाद 2 सेंटीमीटर, तो यहां से हमने लेना है पहले 30 सेंटीमीटर। हम कोशिश करेंगे कि जो हम फट्टी लगाएं उनको हमें मिटाना बाद में ना पड़े, या जो पहले हमने फट्टी लगा रखी है उनमें भी हमें रबड़ कम लगाना पड़े। इस तरह से यहां पे लास्ट ऊपर से है, ये यहां से नहीं हमने लेना है, यहां से लेना है ऊपर से 30 सेंटीमीटर इस तरह से, और उसके बाद है 2 सेंटीमीटर यहाँ पे
देखिए हम देख सकते हैं ये 50 से यहाँ से अंदर है। मैंने नाप इसलिए बाहर से ले रखा है क्योंकि हमने ये यहाँ से 30 सेंटीमीटर लेना था, यहाँ से नहीं लेना था। अगर हम निचली 40 से लेते फिर हमें 28 सेंटीमीटर लेना पड़ेगा यहाँ से इस तरह से। उसके बाद अब हमने बाहर से यहाँ से जो है वो यहाँ से नहीं हम लेंगे, बाहर से लेंगे इस तरह से 60 सेंटीमीटर लेंगे और 60 के बाद हम लेंगे अंदर को 2 सेंटीमीटर यहाँ से इस तरह से, यहाँ पे भी 2 सेंटीमीटर लेंगे हम अंदर को इस तरह से, इसको मिला देते हैं इस तरह से आप देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ से नीचे को फुट्टी लगी हुई है 12 सेंटीमीटर के बाद 2 सेंटीमीटर, तो यहाँ से मिलेंगे 12 सेंटीमीटर, 10 11 12 और 2 14, यहाँ पे भी 14, ये हम यहाँ से लाइन लगाएंगे। इसी फुट्टे से मैं लाइन लगा लेता हूँ यहाँ पे क्योंकि ये हमारी 12 सेंटीमीटर पीछे तक डार्क लगनी है लाइन, तो यहाँ से मैं साथ साथ इसको नाप भी लूँगा। यहाँ से ये हमारा है 10 11 12 इस तरह से, यहाँ से पीछे ही हमारी ये डार्क लाइन लगनी इस तरह से, और यहाँ पे भी इसी तरह से ये हमारा है 11 12, इतनी हमारी डार्क लगनी। और ऊपर भी मैं निशान लगा लेता हूँ यहाँ पे, ये हमारा है 12 सेंटीमीटर, 12 के बाद है 2 सेंटीमीटर यहाँ पे, यहाँ पे भी निशान लगा लेता हूँ 2 सेंटीमीटर पे, और हम इसको मिला लेते हैं यहाँ से इस तरह से, यह कह सकते हैं। तो ये जो हमारी फट्टी लगी हुई है इसकी स्पॉट में यहाँ एक फट्टी लगी हुई है और उस फट्टी की जो दूरी है वो है यहाँ से 22 सेंटीमीटर यहाँ से है, तो ये 15 20 और 2 22 और 2 24, यहाँ पे ये फट्टी हमारी है 22 और 2 24, इसके स्पॉट के लिए यहाँ फट्टी लगी हुई है, यहाँ देख सकते हैं इस तरह से। इसके बाद अब हम ये कार्य हमारा कंप्लीट हो गया, हमने यहाँ पे कार्य करना है। तो यहाँ पे है 2 सेंटीमीटर की फट्टी पहले इस साइड, इस तरह से ये जो हमारी लाइन है ये हवा हमारी मिट जाएगी ऊपर से ये आप देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे फुट्टी लगी हुई है इसमें 22 सेंटीमीटर के बाद, तो ये हमारा है 20 21 22 22 के बाद 22 है यहाँ से इस तरह से हमारा है, तो यहाँ पे भी पहले लगाएंगे यहाँ से 22 22 के बाद फिर हमारा है 22, तो इसको मिला लेते हैं सिंपल, एक लाइन हमारी लगनी है यहाँ पे इस तरह से, और ये हमारा हो गया इस तरह से। इसके बाद यहाँ पे 2 सेंटीमीटर की फट्टी लगी हुई है इस तरह से, यहाँ देख सकते हैं। इसके बाद ये तो हमारे अलग से खाना बना हुआ है, यहाँ पे हमारे खाने बने हुए ये अलग है, ये अलग चीज़ है। यहाँ पे 25 सेंटीमीटर के बाद दूरी है 25 सेंटीमीटर, तो यहाँ से 25 सेंटीमीटर के बाद है 2 सेंटीमीटर इस तरह से, यहाँ से
ये है आपका 25 और 25 के बाद है 2 सेंटीमीटर। यहाँ देख सकते हैं, उसके बाद फिर है 20 सेंटीमीटर यहाँ से, तो हम लेंगे यहाँ से 15, 20 सेंटीमीटर, 20 के बाद है 2 सेंटीमीटर, यहाँ पे भी 20 और 20 के बाद है 2 सेंटीमीटर है। इस तरह से यहाँ देख सकते हैं, इस तरह से अब हमारा बचता है सिर्फ यहाँ पे ये 2 सेंटीमीटर जो हमारा है ये बचता है, तो ये हमने यहाँ पे लगाना है डॉटेड। हम यहाँ पे इसको पूरा लगाएंगे बाहर तक लाइन को, क्योंकि ये साइड में भी हमारी लाइन लगी हुई है और एलिवेशन में भी है, ये हमारा डॉटेड जो है वो पूरा आएगा इससे खाने में। और ऊपर से हमने ये 2 सेंटीमीटर की लाइन लगा रखी है, इसी के साथ हम यहाँ पे इसमें 2 सेंटीमीटर शो करेंगे डॉटेड। यहाँ देख सकते हैं इस तरह से ये हमारा डॉटेड आ जाएगा 2 सेंटीमीटर का, और अब हमारा जो एलिवेशन है वो भी बन के तैयार हो गई है। अब हमने बनानी है इसकी साइड। साइड में सबसे पहले हमने जो है नीचे जो हमने ये छोड़ा था यहाँ पे आपका ये था 10 सेंटीमीटर के बाद 2 सेंटीमीटर, तो ये हमारा जो है वो डार्क आना साइड में भी 10 के बाद 2 सेंटीमीटर वाला। तो यहाँ से सबसे पहले हम लेंगे 10 और 10 के बाद है 2 सेंटीमीटर, तो यहाँ से 10 सेंटीमीटर 10 के बाद है 2 सेंटीमीटर। यहाँ दोनों जगह भी नापने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम यहीं से भी और ना भी नापते हम तो भी हमारा यहाँ से भी ये हो सकता था कार्य, क्योंकि इतनी लंबी हमारी लाइन है, इसी को ही हमने आगे बढ़ा देना यहाँ पे। ये आप देख सकते हैं इस तरह से। अब हमने इसमें 5-5 सेंटीमीटर के पाए लगाने हैं। इस तरह से यहाँ पे भी अब हमने यहाँ पे इसमें पट्टी लगानी 5 सेंटीमीटर की, ये हम यहाँ पर नाप लेते हैं। अब हमने यहाँ से इसी के सीध में जैसे मैं एलिवेशन में लगा रखी है पट्टी हम यहाँ लगाएंगे, यहाँ डार्क लगाएंगे और पाए में अंदर जो है हम यहाँ पे इसको डॉटेड लगाएंगे इस तरह से। और अब हमने ऊपर इसमें फट्टी लगी हुई है यहाँ पे डार्क, ये आपकी फट्टी है 2 सेंटीमीटर की, तो यहाँ से दो सेंटीमीटर है, इसको हम डार्क लगा देंगे यहाँ से इस तरह से। उसके बाद इसमें पीछे फट्टी लगानी है हमने 2 सेंटीमीटर की डॉटेड, ये हम फट्टियां लगाएंगे इसमें डॉटेड देख सकते हैं यहाँ पे, और यहाँ नीचे तक हमने लगानी है। इसी तरह से हमने यहाँ पे भी
ये हमारी लाइन थोड़ी टेढ़ी लग गई है यहाँ पे। दो सेंटीमीटर यहाँ हमारी लाइन आनी है, और ये लाइन हमारी सिर्फ यहाँ तक आनी है, यहाँ से नीचे हमारी डॉटेड आनी, इससे ऊपर नहीं आनी। ये जो हमारी लाइन आएगी ना, इससे नीचे हमारी ये लाइन डॉटेड आनी है इस तरह से। अब देख सकते हैं, मैं इसका पोजीशन ले लेता हूँ यहाँ पे। ये हमारी लाइन जो है वो डार्क आनी है इस तरह से, लास्ट तक हमारी डार्क आएगी यहाँ पे। ऊपर ये लाइन हमारी नहीं है, क्योंकि ये जो हमारा खाना है ना, इसके आगे 2 सेंटीमीटर की फटिया लगी हुई है। आगे यहाँ तो खुला है, यहाँ भी खुला है, तो इस तरह से ये इसमें नहीं लगेगी ऊपर। और यहाँ पे भी मैं इसको मिला लेता हूँ। ये हमारा 2 सेंटीमीटर है इस तरह से, आप देख सकते हैं ये पीछे तक जाएगी लाइन हमारी इस तरह से। और ये जो हमारी फट्टी लगी हुई है यहाँ पे, ये हमें लगाना है डॉटेड यहाँ पे। ये हमारा डॉटेड आएगा यहाँ तक, और इसी तरह से ये हमारा डॉटेड आएगा। इसके बाद हमने ये जो हमारी लाइनें लगी हुई है, इसके हमने डॉटेड लेने हैं यहाँ से, इसके प्रोजेक्शन हमने लेना है यहाँ पे डॉटेड। अभी यहीं तक हमारा डॉटेड आएगा, पीछे तक नहीं जाएगा। यहाँ पे इसका 2 सेंटीमीटर इस तरह से, और ये हमारा आएगा यहाँ तक, और ये हमारा आएगा यहाँ तक इस तरह से। ये हमारा डॉटेड आएगा यहाँ पे भी, हम इसको नीचे तक डॉटेड लगाएंगे यहाँ पे इस तरह से। और ये हमारी जो साइड है वो भी बन के तैयार हो गई है इसी तरह से। अब हमने इसके लेने हैं प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन जो इसके आना है नीचे, वो ये आना है आपका 2 सेंटीमीटर का। फिर हमारा आएगा ये पाया जो हमारा है 5 सेंटीमीटर का, यहां से 2 सेंटीमीटर। फिर हमारा आएगा पाया 5 सेंटीमीटर इस तरह से, आप देख सकते हैं। अब हमने इसके पोजीशन जो है वो यहाँ पे लेने हैं प्लान के लिए। इस तरह से फिर यहाँ पे दो सेंटीमीटर हमारा आएगा 5 सेंटीमीटर इस तरह से। अब हम बनाएंगे इसमें प्लान। प्लान में इसमें ऊपर आएंगे पाए जो है इसके, वो डॉटेड आएंगे चारों। तो सबसे पहले हम पाए लगा लेते हैं इसके 5-5 सेंटीमीटर के। यहां से इसका प्रोजेक्शन ले लेते हैं डॉटेड इस तरह से। इधर को भी हम 5-5 सेंटीमीटर ले लेंगे
तरह से हमारे ये पाए बन जाएंगे। और हमने इसके बीच में लगानी है दो दो सेंटीमीटर की डॉटेड लाइन, और ये जो हमारी लाइन आएगी ये हमारी इन दो दो सेंटीमीटर के साथ आपस में क्रॉस होगी। तो सबसे पहले हमने ये जो लाइन है पूरी लगानी है, यहाँ से ये दो सेंटीमीटर की लाइन लगाएंगे हम, इस तरह से ये लगाएंगे दो सेंटीमीटर की लाइन, इस तरह से इधर को हम दो सेंटीमीटर की लाइन लगाएंगे इसमें, यहां तक हमारी आगे जाएगी दो सेंटीमीटर की लाइन तक, इस तरह से आप देख सकते हैं। इसके बाद इसमें आगे से भी दो सेंटीमीटर की लाइन लगी हुई है, यहां से आएगी पीछे से, यहां तक। इसके बाद हमने इसमें जो ये खड़ी लाइन है हमारी है, ये हमें लगेगी, ये जो हमारी लाइन है 22 सेंटीमीटर के बाद लगी थी, ये इसका कट हमारा सिर्फ यहाँ पे ये 2 सेंटीमीटर की लगेगा, और ये जो हमारी लाइन है ये हमारी यहाँ से पीछे से आगे को लगेगी, आगे तक ये हमारी 2 सेंटीमीटर लाइन आएगी, इस तरह से ये जो हमारी लाइन है ये हमारी आएगी डार्क, पूरी डार्क आएगी यहाँ पे इस तरह से, और ये जो हमारी लाइन आएगी आएगी डॉटेड, इस तरह से, और ये जो हमारी लाइन आएगी ये हमारी आएगी यहाँ पे डॉटेड, ये हमारी 2 सेंटीमीटर की लाइन है, और ये हमारी लाइन जो है वो आगे 2 सेंटीमीटर की, इस तरह से ये हमारा जो प्लान है वो भी बन के तैयार हो गया। इसी तरह से अब हमने यहाँ पे इसमें बनाना है स्केल कार्ड, इसमें फुट्टा बना हुआ है 2.15 सेंटीमीटर का, ये आपने यहाँ पे बनाना है, और जैसे ये फुट्टा बन जाएगा तब आपके जो है वो 26 नंबर के इसके लिए कंप्लीट हो जाएगी, नहीं तो ये जो स्केल आपकी है ये है आपकी 24 नंबर की बनी हुई है, जैसे आप इसमें फुट्टा बना देंगे तो ये स्केल आपकी 26 नंबर की बनके तैयार हो जाएगी। इस तरह से आपने इसको अच्छे से सफाई के साथ बनाना, ये आपकी बनके तैयार हो जाएगी। सफाई का आपने इसमें विशेष ध्यान रखना है, और जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब किया है वो अपने साथी बच्चों को भी बताएं, ताकि वो भी बच्चे इस चैनल का फ़ायदा उठा सके, उस चैनल के माध्यम से जो है वो अपना सारा सिलेबस ज्योमेट्रिकल ड्राइंग का जो अभी तक मैंने करवाया है उसको अच्छे से कर सके। आगे भी मैं इसमें सारा सिलेबस करवाऊंगा, जो पेंटिंग का आपका बचता है, डिज़ाइन का है, वो सारा सिलेबस मैं इसमें करवाऊंगा। तो जितने भी आपके क्लास के बच्चे, प्लीज़ आप चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और उन बच्चों को अच्छे से बताएं कि इस चैनल पर हर तरह की वीडियो आपको मिलेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल ड्राइंग स्टडी।